प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। यदि आपके घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, धन का अभाव हमेशा बना रहता है, या फिर आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हैं, आपके बच्चों की शादी में लगातार डिले चल रहा है, कोई भी काम आपका समय पर नहीं बन रहा है, आप नौकरी पाना चाहते हैं उसमें भी अड़चनें आ रही हैं, आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसमें भी विलंब हो रहा है, आपका पैसा किसी में फंसा हुआ है वो पैसा भी नहीं आ रहा है, या फिर आप खुद कर्जवान हैं और वो कर्जा उतर नहीं रहा है, आपका व्यवसाय चल नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। उपाय बड़ा आसान है, सरल है, सस्ता है, लेकिन कारगर उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे होते हैं वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, हम उनको कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। ये उपाय यदि आप करोगे तो वो बच्चे मानना शुरू कर देंगे। अब शादी में विलंब हो रहा है, यदि ये उपाय आपने कर दिया तो जल्दी शादी के योग बन जाएंगे। कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, ये उपाय आपने कर दिया तो जो कार्य आप शुरू करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। आप नौकरी पाना चाहते हैं, उसमें विघ्न हो रहा है तो वो विघ्न दूर हो जाएगा। आप कर्जे से परेशान हैं तो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा ये उपाय करने से। उपाय बड़ा आसान है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, एक बड़ा ही आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। ये उपाय करना किस दिन है? ये उपाय आपने बुधवार के दिन करना है। ये उपाय आपने बुधवार के दिन करना है। आपने ये तो सुना ही होगा, जो गणपति जी महाराज हैं वो विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को काटने वाले हैं, कलेशों को मिटाने वाले हैं। इसीलिए तो गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, ताकि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न ना आए, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो ये जो उपाय आज का उपाय है ये गणपति जी के निमित्त है। प्रिय दर्शकों, आपने उपाय करना कैसे है? एक पान का पत्ता आप ले आइए, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता हो, उस पर थोड़ी सी फिटकरी रख लेना, एक टुकड़ा फिटकरी का। कैसी फिटकरी? वाहिट सफ़ेद फिटकरी का एक टुकड़ा उस पर रख लेना है, और थोड़ी सी रोली, कुमकुम सिंदूर, समझ रहे हैं आप, रोली उस पर रख लेनी है फिटकरी के ऊपर, और वो ले जाना है आपने पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे जा करके आपने पीपल के नीचे उसको रख देना है जड़ के पास, और मन में जो भी आपकी कामना है उसका चिंतन करना है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, यदि विवाह में डिले हो रहा है तो उसका चिंतन कीजिए, यदि धन का अभाव बना रहता है तो धन का चिंतन कीजिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसमें डिले हो रहा है तो उसका चिंतन कीजिए, जो भी समस्या आपकी है उसका चिंतन कीजिए, यदि आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो उसका चिंतन कीजिए। ये सब चिंतन करने के बाद आपने उस फिटकरी पर एक बड़ा सा पत्थर रख देना है, यदि पत्थर ना मिले तो ईंट रख देनी है, कोई भी भारी सामान उस पर रख देना है। आपने पत्ता लिया, पत्ते पर फिटकरी दी, फिटकरी के ऊपर रोली डाली, और वो पत्ता ऐसे का ऐसा आपने पीपल के नीचे रख दिया और अपनी मनोकामना का चिंतन किया, और उसके बाद कोई भारी चीज उस पर आपने रख दी। बस ये इतना सा उपाय आपने करना है, बुधवार के दिन करना है। ये उपाय करके आप अपने घर आ जाइए, बस आपका काम बन गया। अब आगे काम भगवान का, गणपति जी महाराज का। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, तो गणपति जी महाराज पर
बेसन के 11 लड्डू चढ़ाना ना भूले। गणपति जी महाराज का कहीं भी आसपास मंदिर आपको मिलेगा, वहां जाकर के बेसन के 11 लड्डू जरूर चढ़ाएं, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा उपाय, एक आसान सा, एक सस्ता सा उपाय, लेकिन बड़े बड़े विघ्नों से आपको बचाने की हिम्मत रखता है। तो यह उपाय आप जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुछ चार्ज होते हैं हमारे, वो चार्ज आप दे करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।